गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लेक्चर, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑब्जेक्टिव्स, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का, अगर आप किसी भी लेमैन से पूछेंगे कि वो इंश्योरेंस अगर ले रहा है तो क्यों ले रहा है, तो वो एक ही चीज़ सबसे पहले बोलता है, दैट इज सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट? रिस्क के अगेंस्ट। तो जो इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो इंश्योरेंस इस चीज़ की आपको गारंटी नहीं देता कि रिस्क अराइज नहीं होगा, वो सिर्फ उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी दे रहा है कि अगर रिस्क अराइज हुआ तो उससे जो भी डैमेज होगा वो उसको मेक गुड कर देगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गारंटी करती है इंश्योर्ड को कि वो कंपनसेट करेगी जो भी लॉस उसे होगा ऑन द अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो जो इंश्योर्ड है उसे एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि अगर कोई भी अनटूवर्ड अनसर्टेन इवेंट हुआ तो उसको जो भी लॉस होगा उसको जो कंपनी है कंपनसेट कर देगी। नेक्स्ट इज फोर्स्ड सेविंग। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अगर आप LIC में सेविंग करते हैं तो 80C सेक्शन के अंडर आपको डिडक्शंस मिलती है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फोर्स करता है कि अगर उन्होंने टैक्स में डिडक्शन लेनी है तो LIC एक ऑप्शन है उनके पास कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये हैबिट भी डेवलप करता है लोगों में सेविंग्स की। नेक्स्ट इज मेंटल पीस। हर एक पर्सन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स से एक्सपोज होता है, लाइफ का, एक्सीडेंट का, हेल्थ का एसेट्रा, और लॉसेस फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज एसेट्रा से हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर इंश्योरेंस ज़रूरी है अगर किसी को भी अपने माइंड में जो है टेंशन नहीं रखनी है, उसे पीस अगर चाहिए। तो अगर उसके माइंड में होगा कि मैं इस लॉस के लिए सिक्योर्ड हूँ तो वो स्मूथली अपने फंक्शंस को कर पाएगा। तो मेंटल पीस प्रोवाइड करवाता है इंश्योरेंस। देन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एक फैमिली डिपेंड करती है अपने अर्निंग हैंड के ऊपर अपनी लाइवलीहुड के लिए। अगर अर्निंग हैंड को कुछ हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से तो फैमिली सफ़र करती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सफ़र करता है। तो फैमिली अगर किसी को कुछ हो जाए और उसने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लूज हो जाती है, मतलब कि वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा पाती। लेकिन अगर एक पर्सन है उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके बाद अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहेगी। कैसे? इंश्योरेंस से जो भी उसे पैसा मिलता रहेगा फैमिली को, और उससे वो अपना खर्चा चला सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आप प्लेज करके उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। जब भी आपको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है तो आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अगेंस्ट लोन लेके कंफर्टेबली आप अपना जो क्रेडिट फैसिलिटी की नीड है आपकी जो क्रेडिट की, उसे फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स एग्जम्पशन। हमने पहले भी पढ़ा फोर्स्ड सेविंग के पॉइंट में कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसे सेविंग ट्रीट किया जाता है अंडर सेक्शन 80C। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टगेज। इन केस एक पर्सन जो है वो लोन अगर लेता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और वो मर जाता है तो जो फैमिली है वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अमाउंट पे करेगी डिपेंडेंस के थ्रू, और जो लोन है वो रीपे करने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के पास रहेगी। सेकेंडली मॉर्टगेज। ये भी होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा रहे हैं और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है तो आपको अमाउंट ऑफ लोन जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी इन केस ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ पॉलिसीज है, डिफरेंट तरीके की उनके कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसीज है, यूलिप्स है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जिसे हम कहते हैं, डेफर्ड एनुइटीज है, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन पॉलिसीज को, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। और ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रूव होती हैं इन दी लॉन्ग रन।
जो रेगुलर सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन और रिटर्न ऑफ द कैपिटल है, ये इनके बेसिक फीचर्स है जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो हाई मार्केट रिटर्न्स आप अर्न कर सकते हैं इन केस ऑफ यूलिप्स, पीरियोडिकल बोनस आपको मिल सकता है, मेच्योरिटी बोनस आपको मिल सकता है इन फॉर्म इन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ फ्यूचर नीड्स। जो इंश्योरेंस है वो नेसेसरी है आपकी फ्यूचर नीड्स को कंपनसेट करने के लिए। जैसे अगर आप ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड एज जो नीड्स हैं आपकी, या रीएडजस्टमेंट की नीड है, चिल्ड्रन की एजुकेशन की नीड है, मैरिज है, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा है, तो आप इन सब चीज़ों में आपकी जो फ्यूचर नीड्स होंगी इन चीज़ों के लिए वो इंश्योरेंस फुलफिल करने में हेल्प करता है। कैसे? आप जो भी पॉलिसी लेंगे आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड आपको लमसम अमाउंट पे हो जाती है, तो इन टाइप्स की नीड्स जो हैं वो आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। सबसे पहला है सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। जैसे एक इंडिविजुअल है, सेम तरीके से जो बिजनेस है उसे भी डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, उसके पास भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और निग्लिजेंस की वजह से ह्यूज लॉस उसे हो सकता है। तो जो सेफगार्ड उसके पास अवेलेबल है कि अनसर्टेन लॉसेस से मैं अपने आप को सेव करूँ, बिजनेस के पास भी ऑप्शन जो अवेलेबल है दैट इज इंश्योरेंस। अब बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो उसमें एसेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की होती हैं, तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे उन एसेट्स का तो आपको बिजनेस लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और आपकी सेफ्टी भी आपको मिलेगी। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। जो पर्सन है वो फ्री माइंड से बिना वरीज के काम कर सकता है एक वरिड पर्सन के कंपैरिजन में। तो जो इंश्योरेंस अगर आप प्रॉपर्टी का ले रहे हैं तो जो पर्सन है वो सारी वरीज से फ्री हो जाता है कि मुझे कैसे अपनी एसेट को यूज़ करना है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है उसके थ्रू पॉसिबल हो सकती है। किस तरीके से? जब पर्सन वरीज से फ्री है तो वो अच्छे से अपना काम कर सकता है, अच्छे से ज़्यादा रिस्क ले सकता है अपने डिसीजंस में, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज की मैन इंडेमनिफिकेशन। की मैन कौन होता है? की मैन हम उस इम्पॉर्टेंट पर्सन को कहते हैं जिसके बगैर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल नहीं सकती। वो किस वजह से की मैन हो सकता है? या तो उसने जो कैपिटल लगाई है उसकी वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके एक्सपर्टाइज की वजह से, या उसके गुडविल एक्सेट्रा जैसी चीज़ों की वजह से, और अगर वो एब्सेंस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। तो जो डेथ या डिसेबिलिटी अगर उसकी हो गई है तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा कंपनी को एज कंपेयर टू द फिजिकल लॉस ऑफ फिजिकल एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में वो जो की मैन है, जो बिजनेस है, वो उस की मैन का जो इंश्योरेंस है वो करवा सकता है। द नेक्स्ट इज योर क्रेडिट फैसिलिटीज। जैसे एक इंडिविजुअल को मिलता है, सेम तरीके से जो बिजनेस है वो भी लोन अवेल कर सकता है अपनी पॉलिसीज को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी प्लेज करके। देन बिजनेस पार्टनर फंडिंग। पार्टनरशिप फर्म्स के केस में अगर एक पार्टनर मर जाता है या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है तो अदर पार्टनर्स को उसे उसके ड्यूज पे करने पड़ते हैं, तो जो इंश्योरेंस है वो इसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। जब आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ पर जब पार्टनर मर जाता है तो जो पॉलिसी है आप सरेंडर कर देते हो और जो भी अमाउंट मिला उससे उसको आप जो भी उसके ड्यूज थे वो पे कर देते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय वेलफेयर है उसमें इंक्लूड होता है एम्प्लॉयज़ की पेंशन, एक्सीडेंट बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट्स एसेट्रा। तो एक जो गुड एम्प्लॉयर है उसे ये बेनिफिट्स सारे अपने एम्प्लॉयज़ को देने होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट आउट करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज ले सकते हैं, जैसे ग्रुप लाइफ पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी और मेडिकेम पॉलिसी एसेट्रा। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल। गवर्नमेंट यूज़ करती है इंश्योरेंस को एज एन इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स। वो कैसे यूज़ करती है? आपको टैक्स बेनिफिट ग्रांट करके अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दो तरीके से होता है। कैसे? फर्स्टली अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, पे करोगे, तो जो इकोनॉमी है उसमें जो गवर्नमेंट है उसने
आपका जो पैसा है, जो सिस्टम है, उसने आपका पैसा सोक कर लिया, मतलब आपकी पॉकेट से वो पैसा निकल गया, वो सर्कुलेशन में जो मनी है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी आगे मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, उस पैसे से वो लोन प्रोवाइड करवा सकती है डिफरेंट कंपनीज को, तो और वो कंपनीज उसे यूज कर सकती हैं प्रोडक्शन के लिए, जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है उसे कम करने के लिए, जिससे इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। देन इज फाइनेंशियल हेल्प, इंश्योरेंस हेल्प करता है कंपनीज को एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, वो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, उन्हें एज अ लोन की फॉर्म में वो दे सकती हैं, या उनकी जो कैपिटल है उसमें वो उसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल एस्पेक्ट्स। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंश्योरेंस खुद अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न्स जनरेट करती है। सर्विस इंडस्ट्री है, कंपनी एम्प्लॉय कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को एज मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंट्स, क्लैरिकल स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ। एजेंट्स काम करते हैं कमीशन बेसिस पर, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं, तो जिसको जैसे काम करना है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, सिर्फ आपको टारगेट्स मीट आउट करने होते हैं। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को नंबर ऑफ वेज में। जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो इंक्रीज होती है बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज, उनकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को इनहेंस करके, लिक्विडिटी क्रिएट करके, मोबिलाइज करके सेविंग्स को। वही सारा सिस्टम यहाँ पर फॉलो हो रहा है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कि जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास सरप्लस पैसा है, उससे पैसा आया इंश्योरेंस की फॉर्म में, इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो पैसा आगे गया कंपनीज के पास, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ने उसे इन्वेस्ट किया, जिससे वो प्रोडक्शन कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लेवल ऑफ वेल्थ, कंफर्ट, मटेरियल गुड्स या नेसेसिटीज अवेलेबल होती हैं एक सर्टन सोशो इकोनॉमिक क्लास को, उसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। तो जो भी आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्वालिटी एजुकेशन, सेफ्टी, क्लाइमेट, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा जैसे जो फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करता है इन सबको अचीव करने के लिए। इंश्योरेंस आपको हेल्प प्रोवाइड करवाता है इन हेल्थ हैजार्ड्स, फाइनेंशियल हेल्प देता है एजुकेशन के लिए, आफ्टर रिटायरमेंट के लिए। तो जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। जो इंश्योरेंस है उसे आप एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो गवर्नमेंट है उसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो जो मेन पॉइंट्स हैं दैट इज कि जो भी आपके हेल्थ हैजार्ड्स हैं, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा जैसी चीजें हैं, अगर एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इस उसे एक सर्टेन एज के बाद जाकर ये सारी फैसिलिटीज इंश्योरेंस कंपनीज जो पैसा दे रही हैं उससे फुलफिल हो जाती है, अदरवाइज जो गवर्नमेंट है उसे ये बेनिफिट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाने चाहिए। देन इज सोशल वेल्थ। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स करवाती है कवर अगेंस्ट लिविंग एंड फिजिकल वेल्थ ऑफ दी सोसाइटी। लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंडर, जिसे इंडेमनीफाई आप कर सकते हो। देन आपका जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाता है कवर अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो इंश्योरेंस है वो वर्क करता है फॉर प्रोटेक्टिंग सोशल वेल्थ। देन इसे हम यहाँ पे जो इंडेमनीफाइज जो बोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के केस में, इसका मतलब सिर्फ हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के केस से ले रहे हैं। देन है हम इसमें जब सोशल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है और हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज है, दोनों आपकी सोशल वेल्थ है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट इज लॉस रिडक्शन। इंश्योरेंस पूल ऑफ फंड्स है जो क्रिएट करते हैं किया जाता है थ्रू इंश्योर्ड पर्सन, वो स्प्रेड करता है लॉस एक पर्सन का सभी इंश्योर्ड पर्संस में। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस, नहीं तो एक ही पर्सन को लॉस बियर करना पड़ेगा अपने आप। नेक्स्ट इज योर नेशनल एस्पेक्ट्स। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।